मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में, तो इसी के साथ साथ हमारे स्टेट में भी इसी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बारे में है, ये लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जानकारी देने के लिए कि जो शेड्यूल है इलेक्शन का वो ईसीआई द्वारा, ईसीआई ने दे दिया है, अपने वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंगली जो डेट्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होंगी। साथ ही साथ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसमें जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो परमिशंस चाहिए, जो कुछ भी चीज़ों पे मॉनिटरिंग होगी एक्सपेंडिचर के ऊपर या जो कुछ भी होगा, उसके लिए हमारा ऑफिस पूरी तरह तैयार है। तो पॉलिटिकल पार्टी से भी ये गुजारिश है कि कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके, तो वो हमें कॉन्टैक्ट करें और जो इसकी गाइडलाइंस है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, उसमें कोई किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जहाँ तक रही बात परमिशंस की, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की या किसी भी और सुविधा की जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर है, तो हमारे पूरे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए तैयार है। हमने अपनी टीम्स बनाई हैं, हमारे नोडल ऑफिसर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हैं, हमारे पास मीडिया सेल है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल है, तो ये सारी की सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ये हमारी जो टीम्स हैं, ये सब मॉनिटर करती रहेंगी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ठीक तरह से लगा रहे, उसकी पालन हो और किसी भी तरह का कोई ऐसा एक्सपेंडिचर ना हो जाए या इस तरह की कोई चीज़ ना हो जो कि वोटर्स को इन्फ्लुएंस करती हो गलत तरीके में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो मकसद है वो ये है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका जो स्पिरिट है अगर हम इसको रूह को समझें तो वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। और मैं अपनी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो भी इलेक्शन मशीनरी है उनकी तरफ से, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये यकीन दिलाता हूँ कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल इम्पार्शियल और न्यूट्रल तरीके से कराया जाएगा और उसमें किसी भी तरह का भेदभाव या इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। और हम चाहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी भरपूर ताउन रहे, लोगों का जो है वो इसमें शिरकत रहे और ये इलेक्शन जो है वो एक अच्छा इलेक्शन, एक पीसफुल इलेक्शन, एक पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन हो और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि अवाम जो है वो अपनी राय का इजहार करें। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जब बात करें तो इसमें कई स्टेप्स लिए गए हैं कमीशन की द्वारा ताकि उसको एक फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाए। आई ऑन दी बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एश्योर्स एवरीबडी दैट विल make best effort to take this election in a very fair, transparent manner so that equal platform is given to everybody. Ab model code of conduct implementation ke liye kuch jo steps liye gaye hain main un pe kuch highlight karna chahunga. Ek app election commission ne introduce ki hai which is by the name of C-Vigil. C-Vigil app se jitne hamare ground level agar koi local issues aate hain to एक वो माध्यम रहेगा जिसपे कंप्लेंट लॉग करवाई जा सकती है। दूसरा माध्यम जैसे हमने अभी डिस्कस किया हमारा कंप्लेंट सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट का चल रहा है ऑलरेडी। तीसरा रिटर्न कंप्लेंट एट द लेवल ऑफ आरओ एआरओ अगर डीओ लेवल या नोडल ऑफिसर लेवल पे वो भी दी जा सकती है। इसी के साथ कुछ रिसेंट एक्सपीरियंस के बाद एक जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो GPS ट्रैकिंग ऑफ द व्हीकल्स के बारे में है जो हमारी रिजर्व EVMs ना करें कन्वेसिंग जो करनी है, गाड़ियाँ जो हायर करनी है उसका पूरा ब्यौरा रखें और उनकी परमिशन लें, रैलीज करनी है तो उसके लिए भी परमिशन लें और एक्सपेंडिचर का पूरा हिसाब किताब बना के रखें। उसके अलावा जो है किसी को इंड्यूसमेंट ना करें, अपनी मर्जी से कोई चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है तो वो ले, ज़बरदस्ती किसी का ना करें। किसी के घर के ऊपर झंडा या कोई पोस्टर उसकी मर्जी के खिलाफ ना लगाएं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कापी आपको भी दे देते हैं तो आप भी इसको छाप सकते हैं अपने अखबारों में। मीडिया का रोल हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, अच्छा ही काम करता है मीडिया। तो मीडिया तो वही है जो घटेगा मीडिया वो देखेगा और बताएगा जी। तो मीडिया का अपना एक आकलन रहता है, उसको पूरी आज़ादी है इस देश में। तो मीडिया को तो कुछ नहीं है, मीडिया से यही है कि पॉजिटिव रही और ठीक ठीक चीज़ें बताई। सोशल मीडिया के बारे में क्या कहेंगे जैसे एक आपने ऑर्डर निकाला है का भी जो है ECI ने यही कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके ऊपर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। जो उल्टी सीधी कोई कहानी चलाएगा तो वो उसको उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मोस्टली कुछ लोग हैं एडवर्टाइजमेंट टाइप के, कुछ पब्लिकेशन करते हैं, उन्होंने हिदायत दी है तो उसके ऊपर नजर रखी जाएगी, इसका मिसयूज ना हो और इसका गलत। और जो है
सोशल मीडिया का एक्सपेंडिचर भी जो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में जोड़ने की बात हुई है तो वो भी जोड़ा जाएगा।